भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में कृषि से जुड़े अलग अलग आयामों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं कृषि गतिविधि भाग में आज क्या है खास आपके लिए। किसानों के हित और खाद्यान्न सुरक्षा में नाभिकीय तकनीक अपनी खास भूमिका निभा रही है। अक्सर अनाज और फसलों में कई तरह के कीटों और कीड़ों आदि के हमले के कारण इनके खराब होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन अगर देश में उत्पादित खाद्यान्न को सुरक्षित कर लिया जाए तो देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के काम आ सकता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नाभिकीय विकिरण का मतलब सिर्फ बिजली आदि बनाने में होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता और शेल्फ लाइफ बढ़ाने, फसलों की नई किस्मों के विकास और फसल को रोग और कीट से बचाने में भी होता है। इस काम में परमाणविक तत्वों से निकलने वाले विकिरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोध प्रोजेक्ट की बात करें तो इस शोध के तहत वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलदार पौधों की कटाई छटाई में गामा किरणें और रेडियोधर्मी पदार्थ कैसे सहायक साबित हो सकते हैं। अब तक गामा किरणों का उपयोग ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र में ही किया जाता रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्यान्न की मांग, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, मौसम और ऋतु चक्र में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में भी गामा किरणों और रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग बढ़ा है। इसके तहत तरह तरह के शोध विभिन्न फसलों पर किए जा रहे हैं। दलहन में येल्लो मोज़ेक और फल सब्जी फसलों में निमेटोड का उपचार भी गामा किरणों और रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से संभव है। आपको बता दें कि खाद्यान्न फल सब्जी में रेडियोधर्मी किरणों का उपयोग सेहत के लिए सुरक्षित बताया गया है। गामा किरणों से उपचार के बाद फल सब्जी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि उपचार के बाद कृषि उत्पाद में कीट फंगस पनपने की संभावना या परिवहन के दौरान पकने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती हैं। इस तकनीक से भंडारण के दौरान आलू प्याज में होने वाली फुटान को भी रोका जा सकता है। गामा किरणों से उच्च उत्पादकता और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा सकता है। अनाज किस्मों में गुणवत्ता व पोषकता वृद्धि, पौधों में प्राकृतिक तनाव को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में अब आगे बढ़ते हैं। कृषि साहित्य गतिविधि भाग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लोकप्रिय हिंदी कृषि पत्रिका खेती के अगस्त अंक के बारे में। कृषि साहित्य गतिविधि भाग में आज पुस्तक समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान संपादक श्री अशोक सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मोना जी। इस भाग में आज हम खास तौर से बात करेंगे लोकप्रिय हिंदी कृषि पत्रिका खेती के बारे में। इसके अगस्त अंक में क्या कुछ है खास इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो पत्रिका है ये बहुत ही लोकप्रिय है किसानों के बीच, लेकिन इस बार के अगस्त के अगर अंक की हम खास तौर से बात करें तो क्या खासियत है इसकी, क्या विशेषता है इसकी? मोना जी, आप मुझे अगर इजाज़त दें कि तो इस बात से शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि खेती पत्रिका की इम्पोर्टेंस क्या है। जी ज़रूर। जितने भी कृषि साहित्य की पत्रिकाएं हैं देश में, उसमें खेती पत्रिका जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली जाती है, और इसमें जो कृषि वैज्ञानिक है उन्हीं के लेख होते हैं। तो आप ये समझा जा सकता है कि जो इसमें सूचनाएं या जानकारियां होती हैं बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं और वैज्ञानिक कसौटियों पर कसी हुई जानकारियाँ होती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा किसानों को फ़ायदा यही मिलता है कि ये सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही और सटीक उनको मिल जाती हैं, और खेती पत्रिका की ये भी खासियत है कि इसमें इतनी सरल भाषा में हम लोग दोनों देने की कोशिश करते हैं कि किसान, आम किसान भी बड़े आसानी से इसके बिना से किसी तकनीकी उसमें जाए हुए इसको समझ सकता है वो। जी बिल्कुल। तो आपने एक परिचय दिया इस पत्रिका का, अब जानना चाहेंगे इसके अगस्त अंक के बारे में, क्या है मुख्य आकर्षण का केंद्र इसमें? ये अगस्त इशू जो है हमारा
इसमें जैसा कि हमारा आमतौर से तो ये होता है कि हम लोग साल में 12 इशू आते हैं इसके, मासिक पत्रिका है ये, तो 12 में से करीबन 4-5 इशू हमारे स्पेशल इशू होते हैं, जैसे कभी मासिक के ऊपर आ गया, पशुपालन पे आ गया, पोषण, अभी अक्टूबर इशू हमारा पोषण विशेषांक आने वाला है, तो इस तरह से होता है। तो ये एक ऐसा, ये जो इशू है हमारा, इसमें हम लोगों ने अधिकांश विषयों को इसमें समाहित किया हुआ है, जिसमें पशुपालन भी है, खेती भी है, बागवानी भी है, और मात्स्यिकी भी है, इस तरह अलग अलग चीज़ें, सफलता गाथाएं भी हैं। तो इस बार की पत्रिका की खास बात यह है कि इसमें हम लोगों ने, अगर आप 4-5 चीज़ों को अगर मैं मोटे तौर पर अगर बताना चाहूँ, तो एकीकृत यानी कि समन्वित कृषि के बारे में एक अच्छी जानकारी दी हुई है, जिसमें कि खेती के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन और मछली पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, कैसे इन सबको साथ में आप जोड़ के कर सकते हो, और ये दोनों, ये सब जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कच्चा माल एक दूसरे एक का दूसरे में लग जाता है, तो जाहिर है कि उसमें ज्यादा उनको खर्चा भी नहीं आता, और इसका परिणाम ये होता है कि अंत में जब इसका टोटल जो आमदनी होती है वो कहीं ज्यादा होती है जो परंपरागत खेती होती है। तो एक मैंने एक वानगी आपको बताई जो एकीकृत कृषि प्रणाली की ही बात करें तो एक तरह से ये एक खासियत आपके इस खेती पत्रिका की बनती जा रही है। लगभग हर अंक में इससे जुड़े कोई ना कोई लेख जरूर होते हैं। इस बार का जो अंक है, क्या इसमें कोई खास चीज है जिस पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है? जैसा मैंने बताया कि जो हमारे विशेषांक होते हैं उनमें तो हम लोग बिल्कुल फोकस होते हैं, एक ही विषय को हम लोग उठाते हैं, जैसे पशुपालन है तो उसमें जितने तरह के पशु हैं उनके पालन से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ होंगी, चाहे उनकी उत्पादकता की बात हो, चाहे उनकी बीमारियों की बात हो, चाहे उनका उनकी देख रेख कैसे हो वगैरह वगैरह, चारा वगैरह भी। लेकिन ये जो पत्रिका, जैसे मैंने बताया कि इसमें गागर में सागर है, इंद्रधनुषी है, इसमें सारे अधिकांश टॉपिक इसमें हम लोगों ने शामिल करने की कोशिश। और आपने बताया कि पशुपालन से जुड़े हुए कई लेख में मिलेंगे, पशु चारे की भी एक चुनौती जो है वो पशुपालकों के सामने रहती है, तो क्या उसका कोई समाधान इस बार के अंक में पशुपालकों को मिल सकता है? पशुपालकों के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या होती है चारे की कमी, और खासतौर से जब समय गर्मियों का मौसम होता है उस समय तो हरा चारा बिल्कुल मिलता नहीं है जी। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ जो चारे की फसलें हैं, जैसे चुकंदर चारा है जिसके बारे में पता ही नहीं है कि उससे भी चारा हो सकता है, वो कितना पशुओं के लिए पौष्टिक है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा हरा चारा किस किस तरह का हो सकता है, वो कैसे उगा सकते हैं और कैसे अपने पशुओं को आप स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे 2-3 लेख हमने इशू में भी शामिल किए हुए जी। अशोक जी, इस बार के अगस्त अंक की एक बहुत बड़ी खासियत मुझे दिख रही है, एक जो लेख है वो सीवीड से जुड़ा हुआ भी है। अब जबकि किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में कई तरह की कोशिशें हो रही है और उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो तरह तरह के विकल्पों को अपनाए जिसमें उन्हें ज्यादा जो है मुनाफा हो सकता है, तो उसमें सीवीड एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, तो इससे जुड़ी किस तरह की जानकारी इस अंक में मिलने जा रही है? इससे पहले एक छोटी सी अनुमति आपसे चाहूंगा, मैं श्रोता दर्शकों को दिखाना चाहूंगा अपनी पत्रिका। जी जरूर। ये हमारा अगस्त का अंक है, हमारा खेती का, और जैसे कि बताया कि मासिक पत्रिका है, तो ये हमारा अंक जो है वो अगस्त वाला अंक जैसे जुलाई में इसलिए आ जाता है कि हमने एक इसमें कॉलम एक शुरू किया अगले माह खेतों में। अच्छा। तो अगस्त जो जुलाई का अंक है उसमें अगस्त माह का जो खेती के डिफरेंट कार्य हैं उसमें आ जाते हैं, तो इसी कारण हम लोग एक महीने पहले इसको लाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपने जो अभी सवाल पूछा कि सीवीड जो है, सीवीड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आमतौर से ज्यादा किसानों को जानकारी नहीं है। सीवीड का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, जैसे खरपतवार जैसे खेतों में होते हैं तो समुद्र में भी होते हैं, लेकिन उन जो समुद्री खरपतवार हैं उनकी उपयोगिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर से जो अनुसंधानों में जो चीजें आई हैं उससे उभर कर, कि उसका उपयोग पशु चारे में भी हो सकता है। इसके अलावा उससे बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जिनका कि व्यावसायिक उपयोग है, तो जाहिर है कि जो कोस्टल इलाकों में जो किसान रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक आमदनी का स्रोत हो सकता है, बशर्ते कि उसको समय पर वो कैसे उसको प्रोसेसिंग करना है, कैसे उसको बेचना है या कैसे उसको वहाँ से लेकर आना है, इसके बारे में तो एक मोटे मोटी तो तौर पर इसमें जानकारी है, बाकी तो वो जब थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करेंगे और भी जगहों पर मिल जाएगी, तो एक मार्गदर्शक की तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक दिशा दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल। अशोक जी, अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पत्रिका है वो किस कीमत पर और कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? किसान मंत्रालय है, इसके अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम करता है, जिसके अंतर्गत देश भर के 100 से ज्यादा
अनुसंधान संस्थान है, तो जितने अनुसंधान संस्थान हैं उनके वैज्ञानिकों द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं इस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। तो ये पत्रिका जो है कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, जिसका कार्यालय पूसा गेट नई दिल्ली में है, वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। मात्र 30 रुपये की पत्रिका है और 80 से लेकर 100 पेज की ये रंगीन पत्रिका है, जिसमें कि किसानों के लिए जो चीज़ फोटोग्राफ इसीलिए डाले जाते हैं कि वो खरपतवार या कीटनाशक या इन सब चीज़ों को पहचान सकें वो। तो इस वहाँ से एक तो हमारे कार्यालय से उपलब्ध है, ले सकते हैं, वार्षिक सदस्यता वहाँ से इनको मिल सकती है 300 रुपये में, जिसमें डाक से उनके घर तक ये पत्रिकाएँ पहुँचाई जाएंगी। और उसके अलावा भी हमारी जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड है, ये पत्रिका सारे अंक हमारे अपलोड, वहाँ भी जो देखना चाहें इसको देख सकते हैं। वो हमारा वेबसाइट है www.icr.org.in। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में, और अब कृषि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नई जानकारी लेकर हाजिर हैं हम अगले भाग कृषि शिक्षा में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि शिक्षा खंड में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह नागर जी। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। तो डॉक्टर नागर, आज जो हमारा ये कृषि शिक्षा खंड है, इसमें आज हम आपसे कृषि शिक्षा के संबंध में जानकारियां लेंगे। हमारे जो युवा हैं वो आज एक बार फिर से कृषि के अंदर जो है वो अपना रुझान दिखाते नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। आपने बहुत सही कहा कि उनका रुझान निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि गत वर्ष जो ने छात्रों ने कृषि शिक्षा के जो इम्तिहान है उसमें भाग लिया था वो पिछले वर्षों से 60% अधिक थे। तो ये दिखाता है कि उनका रुझान तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उनको और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे इसमें आए, तो कृषि में बहुत सारे सुधार किए गए। एक तो ये कि जिस तरह से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेडिकल इंजीनियरिंग इन सब का टेस्ट लेती है, वही कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको वही कंडक्ट करती है। दूसरे जो बहुत सारी फेलोशिप्स जो हैं इसमें मौजूद हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, डॉक्टरेट लेवल पे, जैसे हम यूजी लेवल पे एनटीएस देते हैं, पीजी लेवल पे एनटीएस पीजी की स्कॉलरशिप है, और जो पीएचडी है उसमें जेआरएफ 2 साल के लिए और एसआरएफ लास्ट ईयर के लिए, जो तो इस तरह से बहुत अट्रैक्टिव फेलोशिप्स उसमें हैं। और इसमें फॉरेन एक्सपोजर भी है, यूजी लेवल से ही वो शुरू हो जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्या दुनिया में हो रहा है इसके बारे में वो जान सकें, समझ सकें, और एक ग्लोबली वो कम्पिटेंट हो सकें जो। तो इसलिए ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से इसे आकर्षित बनाया गया है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे किस तरह के आप अनुभव अपने जीवन में इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर नागर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो एग्रीकल्चरल डिग्री है, इसे प्रोफेशनल डिग्री की जो है वो मान्यता मिल गई है, तो इसको किस तरह से आप बताएंगे, कैसे ये लाभकारी है जो हमारे युवा हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं? जी देखिए, कृषि जो बहुत बड़ा वास्ट क्षेत्र है, और इसमें आप देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें भी जो मेडिकल लाइन है उसमें 30 विषय हैं, लेकिन इसमें 130 सब्जेक्ट्स जो उसमें इंक्लूड हैं। तो जहाँ तक इसका प्रोफेशनल डिग्री होने का सवाल है, अब कृषि शिक्षा में जो BSc करते हैं लड़के, BSc ऑनर्स की डिग्री उनको होती है, वो 4-ईयर डिग्री कोर्स है। तो जो पहला साल है उसमें हम केवल जो ट्रेडिशनल टाइप की जो ज्ञान है उसको देते हैं, सेकंड ईयर में जो
टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। और थर्ड ईयर में उनकी क्रिएटिविटी और उनका इनोवेशन बरकरार है, इसको करने की कोशिश की जाती है। और जो लास्ट ईयर है उसमें हमने बहुत सारे जो जैसे वो स्टूडेंट रेडी वाले जो आइटम्स हैं उन सबको रखा है, जिसमें रूरल वर्क एक्सपीरियंस एक पार्ट है उसका और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दूसरा है उसमें, और इंडस्ट्री के साथ भी टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको प्लांट में जा करके पूरी तरह से एक अपना उद्यम विकास करने के लिए एक पूरा एक्सपोजर उनको मिले जी। और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी है और स्किल डेवलपमेंट भी है। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरह से अपना प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट लेआउट करने हैं, किस तरह से आगे को बढ़ना है। एक फुल फ्लेज रूप में आपको एक एक तरह से एंटरप्रेनर बनना है, उद्यमी बनना है, ताकि आप जॉब प्रोवाइडर हों, जॉब सीकर ना हो, आप रोजगार देने वाले बने ना कि रोजगार खोजने वाले जो। तो इस उद्देश्य को रख के इसको प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया गया। तो जी बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे युवा जो हमारे किसान हैं उनको जो है वो आगे देख सकते हैं, उसमें आगे जो है वो अपना फ्यूचर जो है अपना भविष्य जो है वो बना सकते हैं। तो डॉक्टर नागर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कृषि शिक्षा के संबंध में, खासकर हमारे उन युवाओं के लिए जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों की कुछ खास झलकियां।
चिंकी आवे रे, ओ चिंकी आवे रे, सुगंधी बास मोरनी मारे बागा में मरवो के बड़ो आज का कृषि परिक्रमा कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।